बच्चों आज हम चैप्टर 18 पढ़ेंगे, जिसमें स्वामी भक्त कुत्ता नामक पाठ है। यह कहानी महान लेखक प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। उसका ये एक संक्षिप्त अंश है, संक्षिप्त रूप है, यानी छोटा करके इसको बताया गया है, इस कहानी को। ये बड़ी ही मार्मिक कथा है। इस कहानी में दिखाया गया है कि कुत्ता एक ऐसा पशु है जो बहुत ही वफादार और स्वामी भक्त होता है, इसलिए उसके जीवन पर आधारित ये कहानी लिखी गई है। तो ये एक छोटे से बच्चे से, उसके जन्म से ये कहानी शुरू होती है। ये बच्चा अपनी आप बीती कह रहा है कि जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी आंखें और कान बंद थे। जब कुत्तों के जो बच्चे होते हैं उनका जन्म होता है तो तुरंत नवजात बच्चे की आंख और कान बंद होते हैं, इसलिए नहीं कह सकता कि बाजे गाजे बजे गाना बजाना हुआ या नहीं। वो बच्चा कह रहा है कि जब मेरा जन्म हुआ तब मुझे नहीं पता कि बाजे गाजे बजे बाजा बजा और गाना बजाना यानी नाचना गाना हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मेरे आँख और कान बंद थे। उसे लग रहा था जैसे किसी के भी जन्म पर खुशियाँ मनाई जाती हैं, बाजे बजते हैं, ढोल बजते हैं, सभी लोग नाचते गाते हैं, तो पता नहीं मेरे जन्म पर यह सब हुआ या नहीं, क्योंकि मुझे तो कुछ सुनाई दिया नहीं। हाँ, बिछावन यानी उनका जो बेड था, उस पर जिस पर वो बच्चा लेटा हुआ था जब वो जन्म हुआ उसका, वह रुई की भांति नरम था और उसमें जरा भी सर्दी नहीं लग रही थी उसे। तो उसका दिल कह रहा था कि लगता है मेरा जन्म बहुत बड़े घर में हुआ है, इसलिए मेरा बेड बहुत आरामदायक है, बहुत अच्छा है, रुई की तरह नरम है और मुझे जरा भी ठंड नहीं लग रही है। ऐसा वो आंख बंद किए किए महसूस कर रहा था और सोच रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने देखा कि एक भाड़ की राख में, यानी चूल्हे की जो राख होती है वो एक भाड़ में है, और वो उस भाड़ की राख में लेटा हुआ है और वो अपनी माता की छाती से चिपका हुआ है, इसलिए उसे सर्दी नहीं लग रही थी और वो राख पर पड़ा हुआ था, इसलिए उसे वो बिस्तर नरम महसूस हो रहा था। कुल मिलाकर चार बच्चों का जन्म हुआ था। तीन लाल थे जो बाद में भूरे हो जाते, और एक काला था जो सबसे छोटा और कमज़ोर था। तो ये जो काला बच्चा है वो ही अपनी कहानी बता रहा है। उनकी माता जो थी, वो उन बच्चों को जन्म देने के बाद बहुत कम ही उनके पास रहती थी, क्योंकि उनकी माता को उनके लिए भोजन की टोह टोह मतलब खोज, भोजन की खोज में इधर उधर भटकना और दौड़ना पड़ता था। रात रात भर जाग कर उनकी माँ जो है गांव की रक्षा किया करती थी। उनके रहते क्या मजाल कि गांव में कोई अनजान व्यक्ति आ जाए। अनजान व्यक्ति को देखकर वो जोर जोर से भौंकती और उन्हें भगा देती थी। दूसरे गांव के कुत्तों को भी वो अंदर गांव में नहीं आने देती थी। यहाँ तक कि अगर खेत में कोई सांड घुस जाए, कोई जानवर घुस जाए, तो उनको भी वो दूर तक भगाती ताकि खेत का कोई भी नुकसान ना कर सके। इतना सब कुछ वो गांव वालों के लिए करती थी। उस पर भी हम लोगों की चिंता, और उन्हें खाने कोई भी उनको खाने को नहीं देता था। इतना सब कुछ गांव के लिए करने के बाद भी उनकी माता को खाने के लिए कोई नहीं देता। बेचारी पेट की आग से जला करती थी, यानी भूख से वो व्याकुल हो जाती थी। उस पर हम लोगों की चिंता उन्हें और मार डालती। वो सोचती थी कि जब मेरा ही पेट नहीं भर पा रहा तब इन छोटे बच्चों का क्या होगा, ये सोचकर वो चिंतित रहती थी। इसलिए जब भूख बहुत सताती तब वह कभी कभी चोरी से घरों में घुस जाती और खाने की चीज़ें उठाकर लेकर भाग जाती। उन्हें देखते ही लोग मारने दौड़ते और घरों के द्वार बंद कर लेते। ऐसा देखकर बड़ा दुख होता था उस बच्चे को, और वो सोचता था कि मनुष्य कितना स्वार्थी और मतलबी है। ऐसे ही एक दिन बड़ी ठंड पड़ रही थी, बादल छा गए थे, धूप नहीं थी और हवा चल रही थी, ठंडी हवा चलने लगी। हमारे दो भाई ठंड न सह सके और मर गए। हम दो ही रह गए। माता बहुत रोई, मगर क्या करती, गांव वालों को फिर भी उन पर दया न आई थी, यानी उनके दुख से गांव वालों को कोई मतलब नहीं था।
जिनके लिए उनकी माता रात रात भर जाग कर रखवाली करती थी, वैसे स्वार्थी लोगों को इनकी तकलीफ से, इन पर जो दुख का पहाड़ टूटा था, उनसे कोई मतलब नहीं था। वो बच्चा बार बार सोचता था कि आदमी बहुत मतलबी और बेदर्द होते हैं। यह पहली बार उसने जाना, देखा। इधर हम दोनों भाई जरा बड़े हुए तो लड़कों ने हमें खिलाना शुरू किया, क्योंकि जब कुत्ते के बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो बहुत खूबसूरत दिखते हैं। मुझे एक पंडित जी का लड़का पकड़ लाया। मैं पंडित जी के घर पलने लगा। खूबसूरत होने के कारण पंडित जी का एक छोटा सा बच्चा उस कुत्ते को उठाकर अपने घर ले आया था और वहीं पर प्यार से उनको पालने लगा, तो उस कुत्ते के बच्चे का वहाँ भरण पोषण होने लगा। पंडित जी के घर में ही उनको खाना मिलने लगा और वो वहाँ बड़ा होने लगा। एक रात पंडित जी के घर के सभी लोग कहीं रिश्तेदारी में गए थे, यानी कोई परिवार के यहाँ गए थे। घर पर मैं और पंडित जी अकेले थे। पंडित जी खर्राटे, यानी जोर जोर की खर्राटे मारकर गहरी नींद में सो रहे थे, पर उस कुत्ते को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि रात को कुत्ते सोते नहीं हैं बल्कि जागते हैं, और अपनी स्वभाव के अनुसार वह घर की रखवाली करता हुआ घर के चक्कर लगा रहा था। चोरों ने समझा आज सन्नाटा है। चोरों को पता चल गया था कि आज घर में कोई नहीं है। घर के नौकर को उसने मिला लिया था और सारा भेद जान लिया था कि सभी लोग बाहर गए हुए हैं, घर खाली है, ऐसे में ही चोरी करना उचित रहेगा। मैं आहट पाकर पिछवाड़े गया, यानी कुछ आवाज़ें सुनकर वो कुत्ता पीछे की तरफ गया, घर के पीछे की तरफ, तो उसने देखा कि पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ है। कुछ आदमी वहाँ खड़े होकर चौकन्नी नज़रों से इधर उधर देख रहे हैं और धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर में देखा तो कोई भीतर से, मतलब कोई आदमी भीतर से थाली लोटा, यानी घर का सारा बर्तन, संदूक यानी बक्से वगैरह निकाल निकाल कर बाहर के आदमियों को दे रहा है, यानी घर में चोरी हो रही है, घर का सामान लिए जा रहा है, लूटा जा रहा है। अब तो सारी बात उस कुत्ते को समझ में आ गई। मैं बड़े जोरों से भौंकने लगा। कुत्ता जो है, ये देखते ही कि ये अनजान कौन लोग हैं जो हमारे घर से सामान लिए जा रहे हैं, भौंकने लगा। इस पर चोरों ने मुझ पर ढेले फेंकने शुरू किए। चोर जो हैं, उनको पत्थर से मारकर कुत्ते को भगाना चाहा, मगर कुत्ते को उनके पत्थरों की चिंता न थी। कुत्ते को चोट लग रही थी, फिर भी वो भौंक रहा था। उसने सोचा क्यों न जाकर अपने मालिक को जगा दिया जाए, स्वामी का घर लूटा जा रहा है, भला कैसे देख सकता था। दौड़ता हुआ बरामदे में पंडित जी के पास गया, जहाँ पंडित जी खर्राटे मारकर सो रहे थे। उसने क्या किया कि पंडित जी की चादर अपनी दांतों में पकड़ कर खींचने लगा, और इससे पंडित जी की नींद खराब हो रही थी। वे गुस्सा होकर 2-3 लात कुत्ते को मार दिए, और फिर भी वो बाज ना आया, फिर भी वो वहाँ से भागा नहीं, और फिर से चादर खींची और जोर जोर से भौंकने लगा। पंडित जी की नींद खुल गई। अब उनको किस तरह समझाऊं? कुत्ता तो कह नहीं सकता था उनकी भाषा में कि तुम्हारा घर लूटा जा रहा है। बार बार पिछवाड़े जाता और उनके सामने आकर जोर जोर से भौंकता, वो कुछ कर नहीं पा रहा था, बेचैन था कुत्ता। मेरी चुस्ती, यानी कुत्ते की फुर्ती से चोरों की हिम्मत न पड़ती थी कि वे सामान लेकर भाग निकले। सवेरा होने में थोड़ी ही कसर थी, यानी थोड़ी देर बाद सवेरा होने वाला था। चोर कुत्ते के भौंकने के कारण सामान लेकर भाग नहीं पा रहे थे, इसलिए चोरों ने एक दिमाग लगाया कि उनके घर के पिछवाड़े एक गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था, तालाब की तरह। उन्होंने क्या किया, सारा सामान उस तालाब में डुबो दिया, ताकि मौका मिलते ही वो दूसरे दिन सामान वहाँ से ले जा सकें। अब सुबह होने वाली थी, कुत्ता भी भौंक रहा था, अगर कोई जाग गया तो पकड़े जाएंगे, इसलिए चोर सामान उस गड्ढे में डुबो रहे थे। आखिर में कुत्ते को एक उपाय सूझा। उसने पलंग के नीचे पंडित जी की लाठी पड़ी देखी और उसे अपने मुंह में उठाकर पिछवाड़े की तरफ बढ़ा। अब पंडित जी जो है, उनकी नींद तो खुल चुकी थी, वो इशारा समझ गए कि जरूर कोई बात है जो वो लाठी लिए जा रहा है। पंडित जी ने वो लाठी तुरंत उठा ली और पिछवाड़े पहुंचे तो देखते हैं कि चोर माल असबाब, असबाब मतलब सामान, उठाए लिए जा रहा है।
उसके बाद वे घबरा उठे। वो घबरा गए कि ये क्या हो रहा है, ये तो मेरे घर में चोरी हो रही है। उनके मुंह से केवल इतना ही निकला, चोर चोर, इस तरह का शोर मचाने लगे वो चिल्ला चिल्ला कर। चोर का नाम सुनते ही सुबह होने ही वाली थी तो लोग उठ गए और पकड़ो पकड़ो की आवाज़ें चारों ओर से आने लगी। लोग दौड़ते हुए उनके घर की तरफ आने लगे और भीड़ लगता गया। दम भर में गांव के लोग लाठियां ले लेकर इकट्ठे हो गए, उनके घर के सामने भीड़ जमा हो गई। मगर चोरों का पता नहीं था, यानी चोर भाग चुके थे उनकी आवाज़ सुनकर। सामान तो सब उन्होंने डुबो दिया था, इसलिए वो वहां से जान बचाकर भाग गए। मैं भीड़ को चीरता हुआ, यानी वो कुत्ता भीड़ को हटाता हुआ पानी में कूद पड़ा और एकदम नीचे घुसकर तह तक पहुंच गया, यानी एकदम पानी के तल में चला गया। संयोग से एक कटोरी मुंह में आ गई, यानी पानी में जो बर्तन डुबोए गए थे उनको ऊपर दिखाने के लिए कुत्ते ने एक कटोरी मुंह में दबा ली और उसे लेकर पानी से बाहर आ गया। सभी लोगों को बात समझ में आ गई कि सारा सामान पानी के नीचे है। आदमी पानी में कूद पड़े और थोड़ी देर में सब सामान मिल गया। पंडित जी इतने खुश हुए कि मुझे उठा उठा कर छाती से लगाने लगे, यानी उन्होंने कुत्ते की वफादारी, बहादुरी, उसके साहस को देखते हुए उन्हें गले से लगा लिया और बहुत प्यार करने लगे। सब यही कहते थे, गांव के लोग कहने लगे कि यह कोई विद्वान होगा, पुराने पहले जन्म में, पूर्व जन्म में जरूर यह कोई विद्वान होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, जिसने इतनी बुद्धिमानी से इतने सारा चोरों को भगा भी दिया और सारा सामान भी जब्त करवा दिया। किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए इस जन्म में आया है, यानी ये कुत्ता जो है पूर्व जन्म यानी पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा विद्वान था, इसने जरूर कोई पाप किया होगा जो इस जन्म में कुत्ते में जन्म हो गया उसका, फिर भी इसकी बुद्धिमानी अभी भी है और इस बुद्धिमानी के कारण ही वो इतना बड़ा काम, इतना बड़ा साहस का काम उसने किया। अकेले होकर उसने ये चोरी होने से बचा लिए, घर पंडित जी के घर को बचाया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें भी अपने पेट्स से, अपने पालतू पशुओं से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्यार की जो भाषा है वो सभी जीव जंतु समझते हैं और ख़ास करके कुत्ता जो हमारा सबसे वफादार पशु होता है। तो इसलिए हमें इनका ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये भी हमारी हमारी चिंता करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे घरों की रखवाली करते हैं। तो ऐसे वफादार पशु हमें अपने घर में पालने चाहिए और उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसके साथ ही ये पाठ ख़त्म हुआ बच्चों। इसके बाद इसके जो शब्दार्थ हैं इसको आप ज़रूर से ज़रूर कर लें और बाकी के जो मौखिक और लिखित प्रश्न हैं वो सारा आप अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे। धन्यवाद।